बागेश्वर में प्रधानमंत्री के संदेश का असर जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक साफ तौर पर देखा जा रहा है। खेतीहर किसान एक दूसरे से दूरी बनाकर काम कर रहे हैं। इस समय बागेश्वर जिले में गेहूं कटाई और मड़ाई का काम जोरों पर चल रहा है। लोग गेहूं की कटाई और मड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेहूं के दाने निकालने के लिए थ्रेशर का भी उपयोग किया जा रहा है। जिले में 1218 हेक्टेयर भूमि में किसान रबी की फसल उगाते हैं। इस वक्त जिला मुख्यालय के साथ ही घाटी वाले तमाम इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार होने से गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम जोरों पर चल रहा है। लॉकडाउन के चलते गांव घरों में गेहूं की मड़ाई का काम करने के लिए मजदूरों के न मिलने और बारिश से फसल बचाने के लिए किसानों पर कटाई और मड़ाई भी जल्द करने का दबाव है। किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने जिले में 12 थ्रेशरों के संचालन की अनुमति दी है। पहले हमारे यहाँ वैसे गेहूं काट के घर पे ला के बैलों को घुमा के या जिसके पास बैल नहीं है तो हाथ से पीट के फिर डंडे से उसकी पिटाई करते थे। डंडे से पिटाई करने के बाद फिर छन्नी लगा के उड़ा के दो दो बार उड़ाना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। थ्रेसर आने से यह हो गया कि थ्रेसिंग भूसा भी बन जाता है जानवरों के लिए और हमारा गेहूं भी साफ निकल जाता है, सुविधा हो जाती है। वहीं किसानों का कहना है कि पहले गेहूं की मड़ाई मजदूरों के साथ ही बैलों से कराई जाती थी जिसमें हाड़तोड़ मेहनत के साथ ही समय भी काफी लगता था। इस बार कोरोना वायरस के खात्मे के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है। मजदूर ही नहीं मिलने से ज्यादातर किसान गेहूं की मड़ाई के लिए थ्रेशरों में अपनी फसल की मड़ाई करवा राहत महसूस कर रही है। हम पहले से गेहूं हाथ से काटते थे, सर से घर में लाते थे, उनको सुखाते चूरते चाटते बताना बुतोना चालना बहुत टाइम काम होता था। आजकल मशीन है हमारा फटाफट हो जा रहा है, गाय के लिए भूसा निकल जा रहा है, हमारे लिए दाने निकल जाते हैं और आजकल सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। बता दें कि पहाड़ों में अब छोटे और सुविधाजनक थ्रेशर लगने से किसानों का एक और जहां श्रम के साथ ही समय बच रहा है, वहीं गेहूं की मड़ाई के लिए अब बैलों की भी जान आफत में नहीं आती है। थ्रेशर से गेहूं की मड़ाई के साथ साथ किसानों को अब जानवरों के लिए चारा भी मिल जाता है। हालांकि बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण अंचलों में बसे लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। लोग साफ सफाई के साथ ही घर बाहर आने जाने में एक निश्चित दूरी बनाए हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।